से बाहर नहीं निकली थी, ना निकली। बहनों ने हमें पाला, लेकिन तबीयत ऐसी थी कि उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। लगता था कि हीरे जवाहरात चारों तरफ बिखरे हुए। कॉलर से बात करते हैं, बाकी आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनकर, एक दिल को तसल्ली और खुशी होती है। कुछ बातें बाकी बहुत अच्छी आपा बताती हैं। अच्छा, आपा डीप फ्राई करना है ना? हाँ बेटा, सेकना नहीं है। अक्सा है जी, उनसे बात करते हैं। हरे जी, अस्सलाम वालेकुम। छुरिया कहाँ है यार? पीछे उसके जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से? आपका जवाब लाहौर है। लाहौर है, करारदाद पाकिस्तान लाहौर शहर में मंजूर की गई थी, ये है जी। अच्छा सुने, वो एक और भी सवाल है हमारे पास ना, जिसमें जो आप लोग को गिफ्ट हैम्पर्स नजर आ रहे हैं, वो जो है उसके लिए भी है कि हमारी आपकी वो कौन सी आदत है जो कि आपको खाने का अनहाइजेनिक बनाती है, आपके खाने को हाइजेनिक बनाती है? क्या बताऊँ, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी बड़े फ्राइंग वाली चीज़ें, या बाहर जाती हूँ तो मैं ठेले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रही होती हूँ, या कहीं पर सफाई नहीं होती वहाँ की चीज़ें हमने खा लेते हैं, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है? नहीं, घर की सफाई तो कर लेती हूँ मैं। नहीं नहीं, बाहर भी तो हम जाकर ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, हमें तो शौक है ना। चीज़ें कभी कभी खा लेते हैं, वही तो कभी कभी, क्योंकि हमने आज से सोचा है, इस 23 मार्च यानी कि आज के दिन पाकिस्तान डे से हमने सोचा है कि ये हम आदत ख़त्म जो है करेंगे, ताकि सेहत बख्श हम खाना खाएंगे और सेहतमंद पाकिस्तान बनाएंगे, हेल्दी खाना खा के, ताकि हम वो आदत छोड़ें। अरे परेशान हो गई तो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। एक आंसर जो आपने दिया वो हमने नोट कर लिया है, लेकिन आप लोगों ने 888-1 पर मसाला टीवी लिख के, अगर ये गिफ्ट हैम्पर जो इतने ढेर सारे रखे हैं अगर चाहिए, तो आप लोगों ने बताना आपकी कोई भी वो आदत जो आपके खाने को अनहाइजेनिक बनाती है। ये जितनी मैं एग्जाम्पल्स दे रही थी, आपके दिमाग में भी ढेर सारी होंगी, क्योंकि यकीनन मैं भी ऐसे बहुत सारे काम कर लेती हूँ कि जी बस अब थके हुए, अब ऐसे ही दे दो खाना, ऐसे ही खा लेते, लेकिन आप लोगों के अंदर हम सब में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है, जो कि आज से हमने अहद करना है और पूरे पाकिस्तान ने अहद करना है कि हम जो है सेहत खाना खाएंगे, ताकि जो है हमने अपने पाकिस्तान को सेहतमंद बनाना है। पापा जी, हम जाएंगे ब्रेक पर? ठीक है, तो कचौरियाँ बन रही हैं खूब मज़ेदार, थोड़ी सी बनाएंगे, थोड़ी सी देखेंगे, ब्रेक में थोड़ी सी बना लेते हैं, बस ये बना लें। ये ओहो, कचौरियाँ खूब मज़े की बन रही हैं, ये हम बनाएंगे, कुछ फ्राइंग करेंगे। आपने जल्दी जल्दी मसाला टीवी पर SMS करना है, अपने अनहाइजेनिक कोई भी आदत बताएंगे जो कि खाने की है, जो कि आपके खाने को बनाती है अनहाइजेनिक, और आपने बताना है किस शहर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। मसाला H लिखकर आप बताएंगे, ये 888-1 पर, तो उससे आपको मसाला मैगजीन मिल जाएगा। जल्दी जल्दी आज SMS करें, क्योंकि गिफ्ट सारे आप ही लोगों के हैं, आप ही लोगों को मिलने हैं। और एक जुमला याद रखें, सेहत पर खाना खाओ और सेहतमंद पाकिस्तान बनो। बिल्कुल, तो अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं।
निकले गा हमेशा, अब तो तेरा ही नाम। करते रहेंगे हम तो दुआ, सलामत रहे ये जहां, हमारी जान। पाकिस्तान डे, यौम पाकिस्तान, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कचौरियाँ यहाँ पर बन रही हैं, पर आपने बताना है जी सवाल का जवाब भी साथ साथ। ट्रिपल 81 पर ढेर सारे SMS होने चाहिए। मसाला टीवी फूड मैक के लिए आप लोग बताएंगे कि पाकिस्तान करार दादे पाकिस्तान किस शहर में मंजूर की गई थी, ये आप आंसर देंगे। मसाला एच लिखकर 881 पर आंसर सेंड करेंगे और मसाला मैगजीन आपको मिल जाएगा। और जो बाकी गिफ्ट हैं उसके लिए आपने मसाला टीवी लिखकर अपनी कोई भी ऐसी बात बतानी जो आपके खाने को अनहाइजेनिक कर देती है, अनहाइजेनिक बनाती है, वो कोई भी ऐसी आदत आपने अपनी बतानी है। कोई इसमें वैसे शर्म की बात तो नहीं आप हैं, बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, बेख्याली में भी हो जाती हैं, कभी कभी जान कर भी कर जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आपको दे दो, वो दे दे बेटा, वो शिमला मिर्च हटा के दे दो, फिर हम लेटर में रख देंगे बाद में। ठीक है, मैंने आँच हल्की की हुई ना कि ये ज़रा अच्छी तरह सीख जाएंगे। ओके, ये शिमला मिर्च स्टाइल में रखी हुई है, यहाँ इसमें यहाँ रख रही और ये इसमें हटा देते हैं। अच्छा जी, तो आपने खाना है सेहत बख्श खाना जिसे आप बनाएंगे सेहतमंद पाकिस्तान। और आज से हमने अहद करना है, हम सब लोगों ने, इवन मैं भी, अपा भी, हम सब अहद करेंगे कि हमने सेहत बख्श खाना खाना है, सेहत बख्श खाना, और पाकिस्तान के लिए सेहतमंद काम करना है ताकि सेहतमंद हो। बिल्कुल, बहुत बीमार हो गया है। बिल्कुल आपा सही कहा, बीमार हो गया है हमारा पाकिस्तान, हमने बीमार नहीं करना है, हमने सेहतमंद बनाना है। जैसे हमारे प्लेयर्स आज बड़े सेहतमंद लग रहे हैं, जिस तरह से ऐसा में गवर्नमेंट अस्पतालों का हाल भी ठीक नहीं तो हम दाखिल भी नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे, नहीं 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 आपा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आपा निकालो कचौरी। नहीं नहीं, तुम तोड़ दोगी, देखो कितनी अच्छी, नहीं अच्छी बन रही हूँ आपा। और ऐसे मैंने आपकी तरफ देखा, ये इतनी गोल कैसे बना रही हैं आप, अंदर फिलिंग ठीक ठाक की है और फूली फूली सी, और ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आपा बना रही, छोटा सा है बड़ा अच्छा, अंदर फिलिंग भी अच्छी सी कर लें, फूल रही हैं, कलर अच्छा आ रहा है, राउंड राउंड शेप, कचौरियाँ दाल की भरी हुई मज़ेदार, ये इस तरह से रेडी कर लें। ओके, और साथ साथ आपने मैसेजेस करना नहीं भूलना, आज का बहुत ख़ास दिन, बहुत अहम दिन जिसके लिए आप लोग ढेर सारे मैसेजेस करेंगे, इस दिन को अच्छे से मना रहे हैं, पर हम चाहते हैं इस दिन आपको ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिले, तो उसके लिए आपने SMS करना है मसाला TV लिख के 881 पर अपनी कोई भी ऐसी आदत जो कि आपके खाने को अनहाइजेनिक बनाती है वो बताएंगे। और मसाला मैगजीन के लिए आप मसाला एच लिख के 881 पर बताएंगे कि करारदार पाकिस्तान किस शहर में मंजूर की गई थी। आई एम श्योर कि इसके लिए ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होगी, सब लोगों को पता है इस दिन को मना रहे हैं, कब मंजूर हुई थी, कहाँ मंजूर हुई थी, और इसकी बाकी पूरी डिटेल यकीनन पता है। बस हमारी तो एक दुआ है कि जब हम पाकिस्तान आए थे, जो हमने यहाँ बसें देखी थी और ट्राम देखी थी चलती हुई, अल्लाह करे वैसी हो जाए, वैसी हो जाए। इतना अच्छा लगता था वो ट्राम चलती हुई सड़कों के बीच में, ट्राम पट्टा अलग से बना हुआ, और फिर बसें ऐसी अबील के जैसे कोई घी गिर जाए बस में तो उठा लो। अच्छा, चमकती हुई बसें एक रंग की, ब्राउन और वाइट और ब्लू और वाइट, और कंडक्टर यूनिफॉर्म में और एक लेदर का बैग लगा हुआ, उसमें पिंक और येलो और ग्रीन टिकट्स होते थे, वो लगे हुए और पैसे अलग रखे हुए, चमकते हुए नोट, चमकता हुआ चेंज, उसमें अभी नोट कितने, 5 और 1 का नोट होता होगा, तो वो भी नोट साफ़ सुथरे और चेंज,
वो चेंज और कैप लगाए हुए, किसी कंडक्टर के किसी ड्राइवर के बाल, अच्छा सिगरेट की इजाज़त नहीं थी कि आप गाड़ी चलाएंगे तो सिगरेट नहीं, अच्छा। सिगरेट नहीं पियेंगे, और बस स्टॉप पे खड़ा होना फ़ख्र लगता था, कोई किसी को ताने नहीं कसता था, कोई किसी को गंदी नज़र से नहीं देखता था, लड़कियां कॉलेज भी जाती थीं, लड़कियां स्कूल भी जाती थीं, पैदल आती थीं, हम अक्सर फेयर रोड से पैदल आ जाते थे जमशेद रोड, लेकिन हमें डर नहीं लगता था कि कोई खुदा ना करे बीच में कोई गड़बड़ हो जाएगी। इतना अच्छा माहौल था कि अल्लाह करे पाकिस्तान वैसे दोबारा से हो जाए तो क्या कहने, इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चियां आसानी से पढ़ें, बच्चियां आसानी से निकलें, घरों से निकलना मुश्किल है, खासकर बड़े मोहल्लों में तो प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोहल्लों में बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये सोच रही हूँ आपा, जो आपने बताया बसेस के बारे में, इतनी नीट एंड क्लीन विद यूनिफॉर्म कंडक्टर, तो आपा मैं सोच रही हूँ अब तो माशाल्लाह इतना मॉडर्न दौर आ गया, करना चाहिए, एडवांस हो गए, मैं तो कह रही हूँ ऐसी बसें बंद कर देनी चाहिए जिसका कंडक्टर 20-20 दिन नहाते नहीं है, गंदी शलवार कमीज पहने बस, और औरतों वाले हिस्से, भाई आप जब औरतें हमारे साथ काम कर रहे हैं, इतना मॉडर्न पाकिस्तान हो गया है, क्या क्या पार्टीज होती हैं, किस तरह से बच्चियां कपड़े पहनती हैं, क्या है क्या नहीं है, तो आपने बसों में औरतों का हिस्सा अलग क्यों रखा है, आप एक बस बनाएं, औरतों को ज़रूर आगे बिठाएं, लेकिन आप साथ रखें ताकि उनमें भी कॉन्फिडेंस आए कि हम मर्दों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हम अलग नहीं हैं, ज़िंदगी साथ गुजारनी है हमको। आपा ये भी कोई ख़ास वजह ये भी है इसकी कि क्योंकि कुछ ऐसे हालात क्योंकि बसेस में हो जाते हैं जिससे इनसिक्योरिटी, हमें यूँ लगता है कि हम खवातीन लड़कियां बच बचा के निकलती हैं, तो कुछ नहीं, लड़के नहीं फिर हाँ, नहीं करेंगे, और जब साथ बैठेंगे तो उनको इज्जत एहतराम होगा अगर तो, हाँ। करने लगे ना आपा हमारे मुल्क के तमाम लड़के मर्द हजरात खवातीन, तो वाकई ये किया जाए, बिल्कुल होना चाहिए, दुनिया जहान में भी आप बाहर जाके बैठते नहीं बैठते, बाहर तो आप नहीं करते कुछ भी, तो आप यहाँ क्यों करेंगे, आपका मुल्क है, आप बाहर पी के नहीं थूकते, आप अबू धाबी में पी थूक के देखें आपको 12 दिन जेल होगी, बेशक आप करके यहाँ क्यों थूकते हैं, यहाँ इसलिए कि यहाँ पाबंदी नहीं है, खुदा के वास्ते सीढ़ियों पर, सड़कों पर, बसों में, खाने की जगह पर पीके पड़ी हैं, अरे भाई क्यों थूकते हो, नहीं थूको, ये ज़मीन है तुम्हारी, माँ है ये ज़मीन, इस पर नहीं थूको, इसका एहतराम करो। बेशक बिल्कुल सही कहा है, ये हमारी माँ है, हमारी ज़मीन है, हमें ज़मीन मिली है तो हमें आसमान मिला है, हमें छत मिली है, अगर ज़मीन ना होती तो ये छत भी ना होती आपके पास, तो वाकई इसका आपने एहतराम करना दिल से, जैसे आप अपने घर का ख्याल रखते हैं। कॉलर से बात करते हैं, कौन है? हादिया फ्रॉम रावलपिंडी। ओके हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। जॉब में पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आज तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या कहोगी आज के दिन? मैं आंसर देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। लाहौर। लाहौर, और दूसरा जो सवाल है उसके बारे में क्या कहोगी? कौन सा सवाल? जो कोई भी आप में ऐसे लगता है हादिया कि ऐसी मेरी आदत है जो मेरे खाने को अनहाइजेनिक बनाती है, मैं कभी कभी ऐसी जो है बाहर की चीज़ें खा लेती हूँ, या फिर घर में बगैर हाथ वॉश किए ऐसे खाना जो थकिया रहे आए और खा लिया, या कोई भी ऐसे आपको एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ आपको जो सही लगता है जो आपके अंदर आदत हो। चिप्स। क्या? सफाई पसंद।